के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का 72वां वर्षगांठ। निगम के कर्मचारी अधिकारी और पार्षदों को बताया गया आजादी के मायने। सशस्त्र सीमा बल के पासिंग आउट परेड का मुख्यमंत्री ने ली सलामी, कहा सैनिकों के सामने हैं काफी चुनौतियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ स्थित जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड परिसर में किया पौधारोपण, कहा इफको और सहकारिता विभाग के प्रयास से किसानों की बढ़ेगी अतिरिक्त आय। स्वतंत्रता दिवस के 72वें वर्षगांठ पर कमिश्नर ने फहराया तिरंगा, कहा देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए करें अपने दायित्वों का निर्वहन। गुलहरिया थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े पुरानी रंजिश को लेकर युवक ने अपने गांव के ही युवक को गोली मार कर की हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। देश की आजादी के 72वें वर्षगांठ पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया झंडारोहण। 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने पुलिस लाइन परिसर में किया ध्वजारोहण, कहा देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका है महत्वपूर्ण। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पुरस्कृत। महापौर ने स्वतंत्रता दिवस पर गोरखपुर वासियों को दिया तोहफा, गोरखपुर एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम से ऐप का किया उद्घाटन। देश की आजादी के अमर शहीदों के परिजनों को डीएम ने किया सम्मानित, कहा दूसरों की आलोचना छोड़कर करें अपने देश के विकास में योगदान। स्वतंत्रता दिवस के 72वें वर्षगांठ पर ध्वजारोहण के बाद महापौर और नगर निगम प्रशासन ने किया वृक्षारोपण। एसपी रेलवे ने कार्यालय पर किया ध्वजारोहण, कहा आज के दिन संकल्प लें कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नहीं जाने देंगे बेकार। अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकाली गई तिरंगा यात्रा, छात्र छात्राओं और फाउंडेशन के लोगों ने बैनर पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को राष्ट्र प्रेम के प्रति किया जागरूक। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की निकाली गई झांकियां, DIOS ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विकास भवन पर CDO ने किया ध्वजारोहण, आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कारमल स्कूल की छात्राओं ने की मनमोहक गीत और नृत्य की प्रस्तुति। और सिटी मजिस्ट्रेट ने किया कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण।